उत्तराखंड चारधाम यात्रा शुरू होने में कम ही समय बचा है। ऐसे में सड़कों की बदहाल व्यवस्था प्रशासन की नाकामी को बयां कर रही है, जिसको लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग से मुलाकात कर सड़कों को ठीक करने की मांग की। बता दें कि कर्णप्रयाग चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है। यहां से कुमाऊं से आने वाले तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जाते हैं। कर्णप्रयाग नगर क्षेत्र की सड़कों में जगह जगह जलभराव और गड्ढे पड़े हुए हैं। कहीं नालियां चौक होने के कारण पानी ही पानी हो गया है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। इन सभी परेशानियों को देखते हुए आज नगर कांग्रेस कमेटी ने उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग से मुलाकात की। कर्णप्रयाग से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मुलाकात इस संबंध में कि ये जो हमारा कर्णप्रयाग शहर है, ये चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है और इसमें इसी शहर से होकर हुए चारधाम यात्रा गुजरती है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और नगर के आंतरिक मार्गों की भी हाल जो है खस्ता हाल बने हुए हैं। सड़कों में खड्डे हैं, जगह जगह जलभराव की स्थिति है, नालियां चौक हैं। तो चूंकि नगर पालिका के प्रशासक भी उपजिलाधिकारी हैं, उनके माध्यम से एक हमने एक मांग पत्र सौंपा है कि शहर के आंतरिक मार्गों की स्थिति सुधारी जाए, जलभराव की स्थिति को समाप्त किया जाए और सड़कों के खड्डे भरे जाएँ ताकि चारधाम यात्रा में कोई महामारी वगैरह न फैल सके।